लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आओ भाई, जल्दी आओ, जल्दी चलो, जल्दी आओ, जल्दी 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 फटाफट फास्ट, जल्दी जल्दी चलो भाई, जल्दी करो चलो। पता है काका, अगर हम लोग इसे नहीं बचाते तो ये समंदर के अंदर डूब जाता। लेकिन इसे समझा के फायदा भी क्या है, हमारी बात सुनता तो है नहीं। अरे शांत रहो भाई, इसका हमारे अलावा और कौन है बताओ। उसके लिए तो हम है ना, ये पांडे को पता चलेगा ना तो हमें बचाने कौन आएगा। तो क्या सीनू भाई, वो क्या हमें मार डालेगा? अगर उसने हाथ लगाया तो हम वार कर सकते है ना, वो कैसे मारेगा हमें? तो जरा सा दिखता है बातें इतनी बड़ी। ये सब बातें तूने इसी से सीखी है ना। अगर ये बात पांडे को पता चल गई तो लफड़ा हो जाएगा। मेरी बात मान, ये जगह छोड़ और यहाँ से कहीं बाहर चला जा, तेरे लिए यही अच्छा होगा। आप एक बात बताओ मुझे, आपकी बेटी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है, आपको कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? कभी सोचा उसकी शादी कैसे होगी? इसकी तरफदारी मत करो। ए मैं जा रहा हूँ, इसके मुंह कौन लगेगा यार। चलो चलो, प्यार के लिए पागल हुआ जा रहा है। अच्छा छोटू, चलता हूँ मैं। भाई अकेला हो जाएगा। रुकिए ना मामा, रुकिए रुकिए मामा। अरे मुझे जाने दो भाई। मामा रुकिए ना। ए तू यहाँ क्या कर रहा है, और शाम से कहाँ गायब था? भाई, भाई है, भाई के लिए। भाई नहीं और कोई भी नहीं, चल। माँ, भाई अकेला रह जाएगा। सब चले गए, सुलक्षणा भी चली गई। एक हफ्ते के बाद उसकी शादी है। उसकी शादी के मंडप में ही मैं मरने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मरने से पहले मुझे एक काम करना बाकी है। मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम सूची है, वो मेरे घर के बगल में ही रहता है। बात यह है कि वो ना दिखता है ना कुछ कहता है, वो सिर्फ इशारा समझता है। हाँ के लिए टक टक, ना के लिए टक, बस यही आवाज़ करता है। उसकी एक आखिरी ख्वाहिश थी, उसे पूरा करने के लिए मैंने उसे वादा किया था। वो क्या है कि उसकी ज़िंदगी से जुड़े चार खास लोगों के पास जाकर उसे माफ़ी मांगनी थी मेरी मौत के बाद। ये उसे शिक्षा देने वाले गुरु से, उसके माँ बाप से, और जिस लड़की से उसने प्यार किया उससे। मेरे इस हफ्ते की यात्रा उन चार लोगों से मिलने की ही है। मैं अपने दोस्त को नाराज़ नहीं कर सकता था, इसीलिए सूर्या को दिए वादे के अनुसार मैं उसे शिक्षा देने वाले गुरु से मिलने के लिए आ गया उसके कॉलेज में। किससे मिलना है आपको? सर से मिलना है। प्रिंसिपल सर से? हाँ हाँ। आगे जाके लेफ्ट लो, वहीं पर ऑफिस है। हाँ
लगता है पांडे तू नहीं मानेगा। तू वापस अपने गुंडों को मुझे मारने के लिए भेज दिया। सीधे से बोल, कौन है? नहीं, मैं नहीं जानता भाई, ऊपर सीनियर से। चलो ऊपर आओ। स्टूडेंट्स है ना, जवानी का गर्म खून है। मैं भी ऐसे ही था। क्यों यार, वेणु को मारना जरूरी है क्या? आज तो उसका सर फोड़ देंगे। जाने देना यार, चल हम घर चलते हैं। उसका बाप प्रेसिडेंट है, उसका ही चर्बी है उसे। वो यहाँ से आएगा, तू वहां जाकर छिप जा, मैं यहाँ छिप जाता हूँ। जा 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 जा। ए, वो आ रहा है बे, आ रहा है वो। हाँ हाँ हाँ, वही है क्या? सुनो, तुम रोज मुझे ऐसे बुलाते हो, रोज मेरे घर में झगड़ा होता है। ए, तू ज्यादा मत बोल। तुम्हारी वजह से मेरा और मेरे पति का झगड़ा होता है। ए, ये कोई बड़ा झगड़ा नहीं है, हर पति पत्नी के बीच झगड़ा होता ही है। तुम मुझसे फालतू बातें मत कर। दोबारा तुम मुझे ऐसे तंग मत करना, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं आ पाऊंगी। कौन हो तुम? तेरी तो। मैं रमन हूँ, देख अच्छे से देख मुझे। फिर से पंगा लेना, ऑटो तेरे ऊपर चढ़ा दूंगा। हेलो। अबे सूर्या, प्रेसिडेंट के बेटे को तुम लोगों ने राइस मिल में छिपाया है ना, ये उसे पता चल गया है, वो वहीं जा रहा है। ऐसा क्या? कुछ करो यार। हे हे रमन, उठना। हे रमन, उठना यार। अबे उठ। क्या हुआ? चल चल उठ, वो लगा रहे, चल भाग यहां से। अबे जब तूने उसे अंधेरे में मारा था तो उसे पता कैसे चला? मैंने उसे बताया था। तेरी तो, तू पागल है क्या? चल भाग, भाग जल्दी। वो लोग डंडा लेकर आ गए यार, अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझता है क्या? देखा, अपना दोस्त टाइम पर ऑटो लेकर आ गया। चल जा, जा, चल 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 निकल, चल, चल चल भाई, चल जल्दी कर। छोड़ना मत इनको, रुक, छोड़ना मत। ए, तू एकदम सही टाइम पे आया। रुक 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 रुक, मैं किधर भागेगा? तेरी तो रुक। आजा आजा, क्या पकड़ेंगे वो लोग हमें? अपन से कोई प्रेसिडेंट है क्या? कोई तोप भी पंगा नहीं ले सकता। तुम्हारा पुराना बाकी 7,000, ऑटो का किराया 6,000, पुलिस स्टेशन ऑटो लाने का चार्ज 5,000, पूरे 18,000 हुए। एसआई और प्रेसिडेंट ने तुम लोगों को गांव छोड़कर जाने के लिए कहा है, नहीं तो एफआईआर लिख के सीधा अंदर डाल देगा तुम्हें। तुम्हारे पिताजी ने बताया तुम लोग की सारी करतूत, पैसा चुका कराओ पहले। मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूँ, बगल के गांव में जा रहा हूँ, वहाँ ऑटो चलाऊंगा, हर हफ्ते पैसे लाकर आपको दे दूंगा। मैं तुम पे भरोसा नहीं करता। ए, वरिंच दे रहे। तुमने अब तक मेरी बहुत सेवा की है, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। इसलिए मैं आपसे फिर से ऑटो मांग रहा हूँ। बादशाह की तरह हूँ मैं, 100 बार नहीं बोलूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग गांव में किसी और से मांग लेंगे। अच्छा, काम किया तो अच्छा होगा। बचपन से तुम्हारे फ्रेंड को जानता हूँ, वैसे ही 4-5 सालों से तुमको भी जानता हूँ। तुम्हें सब कुछ ज्यादा ही चाहिए, थोड़ा कम करो। हाँ, अपनी ये मस्ती उस गांव में मत करना, ऑटो सावधानी से चलाना। हुँ? पेमेंट टाइम पे मिलना चाहिए। नहीं तो हर बार नहीं छोड़ूंगा मैं, समझ गए? चलते हैं यार अब, है ना? ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, ओके बाय, मैं आते रहूंगा, कोई गड़बड़ मत करना। करेंगे। और सूर्या, चलूं क्या? सावधानी से रहना और अपने गुस्से को काबू में। देख, वो हमारा गांव नहीं है। देख, तू मेरी बात समझ रहा है ना? ए, हम जहाँ कदम रखते हैं वही हमारा गांव होता है। हमसे कोई पंगा लेगा तो छोड़ेंगे नहीं। कोई पंगा होगा तो मुझे फोन करना। अरे ये हुई ना बात, ये है मेरा सूर्या। ठीक है ठीक है, अपने माँ बाप का ख्याल रखना। ठीक है, मैं चलता हूँ। वहाँ नए फ्रेंड्स मिल जाए तो मुझे भूलना नहीं तू। कितने दोस्त आए और सब चले गए, मेरे लिए सूर्या ही एक है। तो पहले जा यार यहाँ से। ए सूर्या,
हमारी बदनसीबी है कि गांव छोड़ना पड़ रहा है। चाहे कोई भी हो, हम समंदर के किनारे रहने वाले लोग हैं। जहां समंदर होगा वहीं रहेंगे ना, वहीं हम शान से जी पाएंगे और क्या। तुमको तो अपने बेटे पे बड़ा गर्व है ना? हाँ, मैंने ही पैदा किया है उसे। आप बाप बेटा पूरब और पश्चिम की तरह हो गए हैं अब। आपने ही बचपन में खिलाया था ना उसे। मैंने खिलाया था उसी वजह से हमारा बेटा हमें गाँव से दूर भगा रहा है। इंटर पास करने की बजाय सेंट्रल जेल में घुस गया है वो। पुलिस स्टेशन और कोर्ट के चक्कर काट रहा है। उसकी वजह से मेरी बेइज्जती हो रही है। मैं तुमसे क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आता। उसने कत्ल किया है, उसने डकैती की है। अरे जवान लड़का है, गर्म खून है। अरे हम भी जवान थे, हमारा भी खून गर्म था, हमने ऐसा नहीं किया। कहाँ है तुम्हारा बेटा, कहाँ आया वो? अरे अरे वो आएगा, हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हैं। यही घर है क्या? यही घर है। हाँ घर तो अच्छा है, मगर भाड़ा ज्यादा है। कोई बात नहीं, चलो चलिए सामान उतारती हूँ। सारा सामान यहीं पर रख दो। हाँ सारा सामान यहाँ रखती हूँ, आप अंदर ले जाइए। संभाल कर ले जाइएगा वरना बर्तन चपटे हो जाएंगे। दीदी हा? आप इस घर में रहने के लिए आई हो क्या? आप कहाँ रहते हो? बगल वाले घर में। ये मेरे पति हैं। इसमें नाश्ता है, खा लीजिएगा। अरे इसकी क्या जरूरत थी, अभी नाश्ता बना लूंगी। कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। किस गांव से आई हो? सावलकोट के पास पलस पाठ है ना, वहाँ से। मेरी मौसी के लिए लड़का वहाँ देखा था, उस लड़के का नाम क्या था मैं भूल गई। हाँ वो टेलर था। ऐसा क्या? ये मेरा बेटा ज्ञानेश्वर राव, इसे सब छोटू कहते हैं। आप और भाई साहब अकेले रहेंगे क्या? नहीं, एक निठल्ला और गंवार बेटा भी है इसका, जिसे ये कलेक्टर से कम नहीं समझती है। देखिए बाप और बेटा पूरा पश्चिम की तरह है, ये यहाँ रहते हैं और वो वहाँ रहता है, इन दोनों के बीच में मैं पीसती हूँ। बेटा क्या करता है दीदी? हवाई जहाज रोड में उड़ाता है। अरे कुछ काम नहीं करता वो, लाओ इसे दो। वो ऑटो ड्राइवर है बहन। ऑटो ड्राइवर भाई कहाँ है मौसी? लड़का बहुत चालाक है, सुबह ही गया है, लगता है ऑटो स्टैंड के पास ही पहुँचा होगा। ऑटो स्टैंड? अरे अरे संभाल कर बेटा। ये लड़का मुझे इतना परेशान करता है ना, इसका बाप तो सुबह सुबह निकल जाता है, ऑटो के पीछे पागल है, बदमाश है, इसीलिए कोई काम भी नहीं देता, किसी तरह जिंदगी कट रही है बस। इसे देखो, पता नहीं कहाँ जाए हमारे ऑटो स्टैंड में। अरे मैं लगाएगा नहीं, पागल हो गया क्या तू? अरे तेरे जो करना कर, ए जा जा, अरे तू हाथ पैर के बंधा मेरे ऑटो को मारे चलेगा तुझे। देखो भाई ये हमारा ऑटो स्टैंड है, हम लोग बात कर लेंगे, तुम लोग जाओ जाओ। चलो चलो भाई चलो। मामा पता नहीं ये कहाँ से आया है और हमारे ऑटो स्टैंड में अपनी ऑटो लगाएगा, इसको समझाओ। पी क्या है क्या? ए तू क्या कर लेगा? तो तू क्या कर लेगा, चल अपनी ऑटो हटा यहाँ से। नहीं हटाऊंगा। अबे हटाएगा कैसे? नहीं नहीं हटाऊंगा, जो करना है कर ले। इसने तंग नहीं किया, ये हमेशा तंग करता है, इसलिए तुम्हें इस मामले में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, समझे? चुप रहो। सुनो भाई फाइनली क्या कहना चाहते हो तुम? कहना क्या है, इस स्टैंड में मेरा ऑटो भी रहेगा। मना किया तो? तू मना करने वाला कौन होता है बे? इस गांव में एक ही स्टैंड है, ये तेरे बाप की जागीर नहीं है, यहाँ हम सब मिलकर धंधा करेंगे, ठीक है मामा? रंजन भाई एक सिगरेट दो ना, और माचिस भी भाई ये लो। भाई ऑटो में तुम मुझे अपने साथ रख लो ना। हाँ तो आ जाना। थैंक्स भाई, सुबह जल्दी आ जाना, कॉलेज जाने वालों की भीड़ रहती है, धंधा छोड़ा। ऐसा क्या? तू कहाँ रहता है? हाँ मैं अपने बाजू में ही रहता हूँ, अभी अभी मैं मौसी से मिलकर आया। ए, ये सिगरेट वाली बात मेरी माँ से मत कहना, वो मुझे झाड़ू से भगा भगा कर मारेगी। ठीक है भाई। सुपर है यार तू, चल। अब सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं जी? वो मच्छी लोड करना है ना कोलकाता के लिए। ओ बेटी उठ गई है क्या? हाँ उठ गई है। कॉलेज जाने का टाइम हो रहा है उसका। बेटी सुलचना, कॉलेज जाने का टाइम हो रहा है बेटा। आहा बहुत सुंदर लग रही है। आंटी सुलचना तैयार हो गई? देख गायत्री भी आ गई है। माँ भाई पापा बाय। मैं जल्दी जल्दी में तैयार हो गई, ठीक तो लग रही हूँ ना? तू तो वैसे भी अच्छी ही लगती है, अगर मैं मेकअप थोड़ा सा भी कम करूँ ना तो मुझे कोई मुड़कर भी नहीं दिखता, कोई भाव नहीं देता। आहा कौन है वो? हमारे क्लास के लड़के, कल तो उदय सर ने मुझे नजर से नजर मिलाकर देखा था, पहले सोचा कि वार्निंग दे दूं, फिर ख्याल आया बेचारा बूढ़ा है इसलिए छोड़ दिया, कुछ कहती तो वहीं लुढ़क जाता। क्या भैया इतनी देर क्यों कर दी? इतना जल्दी क्यों आने का, मैंने कहा था ना मैं आऊंगा, तुझे मुझे एक बार फोन करना चाहिए था कि नहीं? भाई संभल के संभल के। ओ भैया बच गई सोनी। मुझे सोनी कहता है? चल चलकर उसे सबक सिखाते। मामा इसने अपना ऑटो पहले खड़ा कर दिया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे भाई गुस्सा तो मुझे भी आ रहा था, देखो बच्चियां आ रही है धंधे पे लगो। आइए आइए आइए, बाहुबली जैसे टायर्स है, पावर स्टार इंजन है, मस्त बैठने की जगह है, अपने सुनहरे पांव से इस ऑटो की बोनी कीजिए। आइए आइए। सोनी या मोनी कहा ना तो दांत तोड़ दूंगी। ये
उसकी तो भाई भाई छोड़ो, जाने दो जाने दो। कौन है भैया? इसका नाम सुलोचना है भैया। ये जय बाबू की बेटी है और इसके मामा का बेटा पांडे बहुत बड़ा पागल है इस गांव का। तो क्या मारेगी क्या? भैया आज आपका टाइम खराब चल रहा है, उसने क्यों मारा ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। जाने दे यार, हमारे ऑटो में कॉलेज स्टूडेंट के अलावा कोई और बैठेगा क्या? हाँ हाँ बैठेंगे ना, अंकल आंटी भी बैठेंगे। अब तीन लोग बैठेंगे तो कॉलेज के 10 स्टूडेंट के बराबर हो जाएगा। हिसाब बराबर हो गया ना भैया? धंधा होगा ना? इतनी रात हो गई है लेकिन तुम्हारा बेटा अभी तक नहीं आया। आप भी ना, उसे काम होगा इसलिए नहीं आया। उसे डांटना छोड़िए और चुपचाप सो जाइए, सुबह मच्छी बाजार भी जाना है। चलिए चलिए सो जाइए। ये जगह तो बहुत अच्छी है। सूर्या कहाँ चला गया यार तू? लड़की से तप्पड़ खा गया यार। तूने कहा था ना गुस्सा मत करना, मारपीट मत करना, लेकिन मेरा तो कचरा हो गया यार। उसकी तो, उसका नाम सुलक्षणा है, उसने मेरे गाल पे तप्पड़ मार दिया यार। क्या? बस आज कोई भी मेरे ऑटो में नहीं बैठा। ये रमन अपने गांव में कितने रुबाब से रहता था, यहाँ सब उल्टा हो गया। मैं वो दिखाने लायक नहीं हूं। मैं फर्स्ट टाइम एक लड़की ने अपने ऊपर हाथ उठाया। अरे सूर्या, ए मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूं, मुझे कौन डिस्टर्ब कर रहा है? ए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे मार डालूंगा सूर्या, उससे बदला लूंगा। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। कौन है यहाँ? भाई भाई आइए आइए, बैठिए 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 बैठिए, बाहुबली ऑटो में बैठिए बैठिए बैठिए, कॉलेज स्टूडेंट, आइए आइए बैठिए ना बहन जी, बैठिए ना दीदी, दीदी आइए ना, कॉलेज छोड़ के आएंगे दीदी। क्या हो गया? पहले दिन ही बाहुबली का टायर पंचर हो गया क्या? अरे बाप रे, बहुत डर लग रहा है, घूर रहा है भाई। अबे घूर तो ऐसे रहा है जैसे खा जाएगा मुझे, आ जा खा ले। भाई छोड़िए ना, इन लोगों से झगड़ा नहीं करते, ये किसी काम के नहीं है। मेरे ऑटो को भाड़ा नहीं मिलेगा। हेलो। ए सूर्या तू कहाँ है यार? यार चार्जिंग खत्म हो गई थी इसलिए फोन स्विच ऑफ हो गया था। क्या बात है बता। क्या बताऊं यार, वो राजू पैसा दो बोल के मेरा जान खा रहा है, अब क्या करूंगा। अरे कैसी बात कर रहा है यार तू? इस गांव में एक लड़की है, उसका नाम सुलक्षणा है, सब उसकी वजह से हुआ है। ए वो दिखने में तो बहुत सुंदर है यार, लेकिन एकदम सूप नखा है। ए मैं उसे मार दूं क्या? हाँ? ए सूर्या, मैं उसे मार कर यहाँ गाड़ दूँ क्या?
उसने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। हेलो रमन, हेलो, कट हो गया क्या? मार डालूंगा। ए, 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 मार डालूंगा। क्या हुआ भैया, सुबह सुबह ये उदासी क्यों? आज शाम के बाद हमारे पास ऑटो नहीं होगा। भाई ये ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हाँ हाँ यार, राजू भाई ने फोन किया था, शाम तक पैसे नहीं दिए तो ऑटो वापस ले जाएगा। आप चिंता मत कीजिए भाई, देखिए शाम तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑटो पर अच्छा हुआ सोनी बच गई, वरना आज भी मार खाते। भैया सोनी वापस बच गई रे। ए, क्या कर रही है? सुलोचना, उसने तुझे नहीं उसी सोनी कहा। सच कह रही है? उस दिन भी वो उसे ही बचा रहा था और हम लोग को टक्कर मार दी थी। इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आइए आइए, इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आइए। इस ऑटो में क्यों जाना है रे? भैया बैठ गए भाई। हे नीचे उतरो, तू क्या किसी को भी बैठा लेगा ऑटो में? ऐसा नहीं करते भैया, पहले ऑटो नीचे उतरो। भैया भैया प्लीज ऐसा नहीं करते भैया, चलो चलते हैं। भैया ऐसा नहीं करते, गुस्सा मत करो, चलो ना चलते हैं, पहली सवारी है भैया, चलो ना, भूनी हो रही है भैया। बजरंग बली की जय, चलो चलो भैया। हेलो, आई एम सॉरी। ये क्या पागलों को यही से सॉरी कह रही है? चल, अरे चल ना। क्या हुआ दीदी, आज बहुत जल्दी आ गई? घर में मेहमान आने वाले हैं, पापा ने फोन करके बुलाया है, चलो ना। अकेले सवारी लेके कहाँ जाएंगे, कुएं में? जब तक ये ऑटो फुल नहीं होगा तब तक कहीं नहीं जाएंगे। सबके पैसे मैं दे दूंगी, इसे चलने के लिए कहो ना। भाई दीदी सबका पैसा दे रही है ना, तो फिर चलो ना, चलो। जैसा कहा वैसा कर दिया ना? मैंने क्या किया? ऑटो में बैठते ही क्या कहा था कि कुएं में जाना है ना? मैं जैसा कहूंगा वैसा हो जाएगा, मुझे थोड़ी पता था। भैया आप दोनों यहाँ बातें करो, मैं जाकर कोई मदद लेकर आता हूँ। हमेशा ऐसे ही रहते हो क्या, गुस्से में? कभी कभी हंस भी लिया करो।
उस दिन मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, उसके लिए कितनी बार सॉरी कहा मैंने, पर मुझे देखते ही पता नहीं क्यों तुम्हें गुस्सा आ जाता है। उस दिन जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर जाना चाहिए ना, अंदर कोई है क्या? हमेशा ऐसे ही रहते हो गुस्से में? क्यों भैया, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? कुछ तो बात जरूर है। हाँ कुछ नहीं है रे, मैं सुबह से देख रहा हूँ, कुछ तो हुआ है, क्या है बताओ ना भैया। अरे कुछ नहीं है। वहाँ क्या जा रही है? ये रहा हमारा ऑटो। आज हम लोग दूसरे ऑटो में जाएंगे। हाँ, इस तरह हम रोज अलग अलग ऑटो में जाएंगे तो वहाँ इंतजार करने वाले लड़के पागल हो जाएंगे। हाँ चलो ना भैया, मेरी बात सुन, यहाँ के सभी ऑटो वालों में से जल्दी हमारे कॉलेज पहुँचाने वाला ये ऑटो है, टाइम हो रहा है, चलो प्लीज 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 जल्दी चलना। ए, चल आ जा। ऑटो की सीट में बैठ, ऑटो की सीट में बैठ। मैं ऑटो नहीं चला सकता भैया। चल चल आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मेरी बात नहीं मानने वाला। एक मिनट साइड दो। तुम यहाँ क्यों बैठ रहे हो? पैर में दर्द हो रहा है तो। आगे सीट है ना, तुम जाकर बैठ जाओ ना। ए चल ऑटो निकाल। सुलक्षणा, I love you सुलक्षणा, सुलक्षणा, क्या कर रहे हो? Please ले लो सुलक्षणा, सुलक्षणा, please ले लो ना, सुन, please सुलक्षणा ले लो, मेरी बात सुनो, छोड़ो, सुलक्षणा, I love you सुलक्षणा, please मेरी बात मानो, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, सुलक्षणा, सुलक्षणा, please ले लो ना, I love you सुलक्षणा, 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 I love you सुलक्षणा, please ले लो ना, सुलक्षणा, मेरी बात सुनो, सुलक्षणा, I love you सुलक्षणा, please। अरे अरे छोड़ दो उसे, छोड़ दो, मत मारो। दीदी प्लीज, दीदी प्लीज कहिए ना, उसे नहीं मारे प्लीज। प्लीज पांडे छोड़ दो इसे, प्लीज प्लीज पांडे छोड़ दो। दीदी प्लीज वो मर जाएगा, दीदी प्लीज। मेरी बहन है ये जानता है, फिर भी उसे लव लेटर दिया तूने। सुनो तुम्हारा काम हो गया है, प्रिंसिपल साहब तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। आ बोलो। मेरा फ्रेंड सूर्या यहाँ पढ़ाई करता था सर। क्या हुआ उसे? वो मर गया सर। हाँ सर, मैं उसके सर और उसके फ्रेंड से मिलने के लिए आया हूँ। उसे मरे कितने साल हुए? 2 साल हो गए सर। मुझे यहाँ आए 2 साल हो गए, उधर लेक्चरर्स हैं, जाकर उनसे पता करो, ठीक है? सूर्या, वो तुम्हारा सूर्या नंबर 1 स्टूडेंट था, कलेक्टर बनने के लायक था वो, पता नहीं बेचारे का मर्डर कैसे हो गया। सुन सूर्या, मैं बहुत लोगों से मिला यार, मुझे तो कोई भी तेरे बारे में गलत नहीं कह रहा, अभी मैं तेरे गुरुजी से मिलूं ये भरोसा भी टूट गया यार।
सूरी, सब सब्जेक्ट में वो हमेशा फर्स्ट आता है। संगीत में भी चाहे कोई कुछ भी बोले, हमेशा उसको सब चीज समझ आता था। सारी बातें मुझे बताता था। फ्रेंड्स की बात हो, घर की बात हो, चाहे कैसी भी बात हो, मुझे बिना बताए वो कोई काम करता ही नहीं था। सिर्फ एक बार मुझे बिना बताए वो मर कैसे गया? माफी मांगने के लिए भी उसने तुझे भेजा है। कैसा था वो? यहां से गए सारे स्टूडेंट्स को मैं याद रखूंगा, हमेशा याद रखूंगा। एक तो ज्यादा दिमाग वाला और दूसरा पागल, लेकिन दोनों अच्छे दोस्त। मेरा भरोसा उसने तोड़ दिया। जिंदगी को ना जानने वाला पागल था वो। मैं उसे माफ नहीं करूंगा और कभी नहीं करूंगा। जा। सुनो भाई, मेरे पास सूर्या के फ्रेंड्स की ये लिस्ट है, प्रिंसिपल साहब ने आपको देने के लिए कहा है। सूर्या के बहुत सारे दोस्त थे, अगर आप उसके गांव जाएंगे मुझे लगता है वहां आपको सारे मिल जाएंगे। थैंक्स भाई। ठीक है भाई, संभल कर जाना। वो रोए, कोई बात नहीं, उनकी उम्र हो चुकी है। प्यार का मतलब ना जानने वाला उसने खो दिया, लेकिन मेरा भी मन क्यों रोने को कर रहा है। बूढ़े क्या जाने प्यार क्या होता है, उन्हें क्या पता हम जैसे जवान लड़कों के प्यार के बारे में। अब मैं तुम्हारे दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। आखिर में उसने एक सवाल पूछा था, मैं उसे क्या जवाब दूँ? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर तेरे बारे में मैं उन्हें कैसे बताऊँ। बहुत दुख हो रहा है सूर्या। ए सूर्या, क्या कर रहा है यार तू? शराब पी रहा हूँ भाई। कहाँ? घर में। क्यों, तेरे माँ बाप घर पे नहीं है क्या इस वक्त? है, माँ बाप बाहर गए हैं। अच्छा ये बता, सिर्फ शराब पी रहा है या फिर कुछ और भी कर रहा है? हाँ सिर्फ वही और कुछ नहीं। ए सूर्या, उस पांडे को मार दूंगा बहुत जल्दी। उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया रे। क्या क्या उसने? बहुत मारा यार, सुलक्षणा के सामने मारा मुझे। हेलो, ये भी ना शराब पी के लुढ़क गया होगा। सूर्या कहाँ है तू? उसने सुलक्षणा के सामने मारा है। ए, कहता है कि सुलक्षणा उसकी है, उसका बाप भी उसकी शादी करवा देगा। ए, सुलक्षणा भी उसे पसंद करती है, नहीं तो जब वो मुझे मार रहा था तो उसे रोका क्यों नहीं? लेकिन उसे तो ये रमन पसंद है। वो और रमन मैं हूँ। वो पास आ गई, मैंने उसे चूम लिया यार। उसका चुम्मा लेने पर मुझे रोज मारे तो भी चलेगा। ए सूर्या, ए सूर्या, ए सूर्या, हाँ ए सूर्या। अरे क्या सिर्फ तेरी आवाज आती है, भूत है क्या तू? तू इंसान नहीं है रे, भूत है रे तू सूर्या। हेलो। हेलो सूर्या, बोल रहा हूँ। हाँ बोल यार। कल रात को तू किसके मारने की बात कर रहा था? रात को जब बोला तब सुना नहीं क्या? अरे नहीं सुना था, तभी तो मैंने अभी फोन किया, तूने फोन ही कट कर दिया था। अरे यार मैंने कहा था ना पूरा। तूने किससे कहा था पहले ये याद कर। अरे सूर्या मैंने तुझसे ही कहा था यार। ए सूर्या मैं वापस फोन करता हूँ। ठीक है ठीक है। सूर्या, हाँ
अरे मैं तुझे फोन करता हूँ तो यहाँ टुक टुक की आवाज सुनाई देती है, ये कोई भूत तो नहीं है यहाँ? भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, रात की अभी तक उतरी नहीं क्या? हे, चुप कर। अरे यार तेरा दिमाग ठीक नहीं है क्या? मैंने तुझसे कुछ बात करने के लिए फोन किया था। मेरी मौसी की बेटी की शादी तय हो गई है, मैं वहीं जा रहा हूँ दो दिन के लिए, वहाँ से आके तुझे फोन करूँगा, ठीक है ना? हे, 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 हे। सूर्या, तुम कौन हो? तुम भूत हो? मैं अब भूख से मर रहा हूं, भूत तो रात में आता है ना, मुझे क्या दिन रात में फर्क पता नहीं है? तुम्हारा नाम क्या है? सूर्य का नाम लेता हूं तो तुम आवाज देते हो, तुम्हारा नाम सूर्या है? ये टक टक से मुझे एक बात समझ में आ गई, तुम हां पर दो बार टक टक का आवाज देते हो, ना हो तो एक बार का आवाज देते हो, है ना? हाँ, तुम अच्छे वाले भूत हो, है ना? बुरा भूत नहीं हो। अरे यार, भूत का नाम लेते मुझे डर लगता है। अच्छा, तुम भूत नहीं हो, तुम आत्मा हो, ये सही है ना? बाप रे, अभी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, अभी डर नहीं लग रहा। तुम हंस रहे हो ना? तुम्हारी उम्र क्या है? 40 होगी ना? 20, 21, 23? हो तो तुम यहां हो? तो तुम पढ़ाई कर रहे थे, तो तुम मरे कैसे? एक्सीडेंट से क्या? मार्क्स कम आया होगा बोलकर किसी ने तुम्हें डांटा था। अरे, किसी ने कुछ नहीं कहा तो तुमने अपने आप को मार लिया? तो तुमने आत्महत्या की? तो क्या फिर तुमने वैसे ही आत्महत्या की जैसे फिल्मों में दिखाते हैं? और फिर वैसे मुझे तो डर लगेगा ना। अब ये बताओ, कैसे मरे? लव का चक्कर? हाँ, लव का चक्कर था इस उम्र में, इसके अलावा और क्या हो सकता है? पहले डर लगा था, अभी मजा आ रहा है सूर्या। अच्छा सुन बे, तुझे बे कहा चलेगा ना? थैंक्स यार, अब हमारे गांव में
बे कहने के लिए दोस्तों के अलावा कोई और है ही नहीं रे। सूर्य नहीं हुआ तो क्या, तुम तो हो ना। मैं गांव छोड़कर आने के बाद यहाँ बहुत ड्रामा किया था। कोई नहीं तो तुम मेरे साथ रहोगे सूर्या। कोई बात नहीं, उस नाम से तुम मेरे दोस्त बन गए। मतलब तुम मेरे पहचान के बन गए। अभी से मैं और तुम फ्रेंड, ठीक है? क्या है तुझे बेटा, कितना काम करता है, खाने पीने का ध्यान ही नहीं रखता। अरे भगवान 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 भगवान। अरे ये पौधा कितना मुरझा गया है, देखो कल तक ये सिर्फ निठलना था, अब मेंटल भी हो गया। चुप रहिए जी, आप कुछ भी बोल रहे हैं। तुम उसे और काट के चिकन खिलाओ। चुप रहिए, सुन ले रहो। अरे समझ समझ इधर हट। ए सूर्या, अभी मैं सुलक्षणा से मिलकर आया। आज मैं बहुत खुश है रे। उस दिन जो कुछ भी ऑटो में हुआ उसके बाद से सुलक्षणा से मिलने का रोज मन कर रहा था यार। सुलक्षणा मुझे पसंद करती है ना यार। प्यार में बहुत तकलीफ होता है यार। क्या तुमने भी मेरे जैसे प्यार में बहुत तकलीफ सहन किया है? तुम्हारे प्यार के बारे में मैं भी जानना चाहता हूँ। तुमने अपने लव स्टोरी के बारे में मुझे कभी कुछ नहीं कहा। तुम क्या बताओगे भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनकर तुम्हें बहुत मजा आएगा। पूरी फिल्मी लव स्टोरी है अपनी, तो तुम्हें एक एक करके दिखाता रहूंगा, ठीक है ना? वैसे नाम में तुम्हारा लव स्टोरी है क्या? ये नहीं है। अरे प्रेम देश की तरह कॉलेज लव है क्या? मुस्तफा मुस्तफा, क्या गाना है यार ये। ये गाना मुझे और सूर्या को बहुत पसंद है। बचपन में ये गाना हम जहां भी सुनते वहीं रुक जाते। जब तक गाना खत्म नहीं होता तब तक वहां से हिलते नहीं थे। मुझे और सूर्या को यह गाना इतना ज्यादा पसंद था। तुम्हारा भी वैसा कोई फ्रेंड है क्या? तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड को भी यह गाना पसंद है क्या? रमन और सूर्या का सुपर लव स्टोरी। मेरा नाम सूर्या है। मैंने एक मुसलमान लड़की से प्यार किया। रमज़ान के दिन उसकी चमकने वाली ड्रेस को देखकर मुझे उस पर प्यार आ गया। एक दिन मस्जिद के पास उस लड़की से मिलकर मैंने उसे आई लव यू कह दिया। उसके बाद उसने मुझे बहुत गालियाँ दी। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया। फिर मैंने वो सड़क पर जाना ही छोड़ दिया। एक दिन वो मेले में चूड़ियाँ खरीद रही थी। उसके पास पैसे कम पड़ गए थे तो फिर मैंने उसे 50 रुपये उधार दिए थे। फिर हमारी बातें आगे बढ़ने लगी। एक दिन मैं बहुत बीमार हो गया था तो वो दरगाह से मेरे लिए तावीज़ लेकर आई। वो तावीज़ की वजह से शायद मेरे घर आई होगी, मुझे पता नहीं। लेकिन सुबह मेरा बुखार उतर गया। दशहरा के दिन उसी गली में गया तो उसने मुझे चुम्मा भी दिया था। सूर्या तुम्हारा काम तो कमाल का है यार। मैं एक चुम्मा दिया तो मेरे मुंह पर थप्पड़ पड़ा था। ए हंस मत ना भाई। बाद में हम दोनों बहुत प्यार करने लगे। वो लड़की बीमार हो जाए तो मैं दवा लेकर जाया करता था। एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल था। एक दिन भी वो नहीं मिली तो मैं खाना पीना सब भूल जाता था। मुझे पैसों की ज़रूरत है, ये जानकर वो अपनी सोने की चूड़ियाँ मुझे बिना बताए बेचकर आ गई और घर वालों को बताया कि चूड़ियाँ गुम हो गई हैं। घर वालों को शक हुआ तो उसके पीछे जासूस लगाया और उन लोगों को मेरे बारे में पता चल गया। बेचारी को बाद में बहुत मारा और घर में ही बंद कर दिया। ये जानकर मैं उसके घर गया तो गली के लोगों ने मुझे खून निकलने तक मारा। वो खिड़की से सब देख रही थी। उसने कहा कि मुझे मारना बंद कर दो वरना वो अपना हाथ काट लेगी। उस लड़की ने 15 दिनों तक खाना पीना सब छोड़ दिया। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मैं ये सह नहीं पाया। नर्स जब वहाँ नहीं थी मैं उसे बाहर निकाल लाया।
हम दोनों का साथ में जीना मुश्किल था ये पता चल गया। साथ में नहीं जी पाए तो साथ में मरना ही अच्छा है। उसके बाद हम जहर लेकर के आए। जहर पीने से पहले उस लड़की ने हमें दो बार चूमा, वो बिल्कुल अमृत के जैसा लगा। अब हम दोनों को जहर जहर जैसा नहीं लगा और हम उसे पी गए। मैं खुद क्यों रो रहा हूं, आंसू आ रहे हैं। तुम भी रो रहे हो ना? ये ग्लास तेरा ही है क्या? मुझे वहां मिला था। चीयर्स यार। ए, तुम मरने के लिए जहर इसी ग्लास में पिए थे? हाँ? ओ तेरी तो, मैं इस ग्लास में अपनी शराब पीता हूँ तो आवाज आता है। मैं भी जहर पी रहा हूँ यही सोच रहा है ना तू? जो भी हो सूर्या, तुम्हारा लव स्टोरी सुनने के बाद मुझे अच्छा लगा। तुम लोग अपने प्यार को बचाने के लिए तुम दोनों मर गए ना? तुम दोनों क्यों मर गए यार? लड़की अब तक जिंदा है क्या? अभी वो कहाँ है? ओह, तुम तो नहीं बता सकते। ठीक है, लेकिन दोस्त, तेरे प्यार में सच्चाई है सच्चाई, लेकिन मेरे प्यार में नहीं है। अभी तो प्यार करना है तो तेरे जैसे ही करना चाहिए। करूँगा। उसे मेरे दिल के अंदर रखकर उसका ख्याल रखूंगा। कहाँ है रे तू? क्या करूँ भैया, कहाँ जाऊंगा मैं तो कहीं का भी नहीं रहा। बहुत बेइज्जती हो रही है भाई, यहाँ सब लोग तुम्हारे बारे में गलत बात करते हैं। हाँ यार, मैं भी आऊंगा तो तेरी बेइज्जती होगी, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ। इसीलिए तो भैया, तुम नहीं आओगे ये जानकर सुलोचना दीदी मेरे सामने मंदिर चली गई, इसलिए मैंने फोन किया। क्या, सुलोचना मंदिर गई है? क्यों बेटी? सुलोचना जी, पंडित जी। ये क्या है? प्रसाद चढ़ाना। प्रसाद है? इस समय प्रसाद क्यों लाई हो? अन्न प्रसाद तो सुबह से ही खत्म हो गया है। देखो, बाहर अगर कोई हो तो जाकर उसे बांट दो बेटी, ठीक है? ठीक है पंडित जी। अब क्या करेंगे? तुम्हारी मम्मी ने कहा था सुबह आने के लिए, लेकिन तुम नहीं मानी। पुजारी जी ने कहा ना यहाँ कोई नहीं मिलेगा इस वक्त। सब बांट कर नहीं गई तो माँ मुझे बहुत डांटेंगी। देखते हैं, शायद कोई मिल जाए। क्या बोलता है, कैसी है ये? मस्त है भाई। अरे कुछ ऐसी खूबसूरत लड़की प्रसाद बांटेगी तो लड़के चुप रहेंगे क्या? मैं नहीं जाने वाली वहाँ। नहीं प्लीज, नहीं यार, प्लीज 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 जाकर उन लोगों को बांट देना प्लीज यार। नहीं ना। अरे सुनो सुनो ना, तुमसे ही कह रही हूँ मैं। हाँ ये इसकी माँ ने प्रसाद भेजा है, बांटने के लिए कहा है, यहाँ कोई नहीं है ना, तो तुम लोग ही प्लीज देखो ना, कोई हो तो बांट दो ना। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? वो तुझे लाइन मारने के लिए यहाँ आया था, मैंने उसे काम दे दिया, चिंता मत कर। अरे बच्चा बाटी, इधर आओ जल्दी आओ। वो लोग तो चले गए, लाओ ये बर्तन मुझे दो, मैं जाकर देकर आऊंगा। तू कब आया? तुम्हारे पीछे, मैंने फोन किया कि वो लोग मंदिर गए,
तुमने फोन काट दिया। सुलोचना दीदी तुम्हें थैंक्स कहने के लिए आई मुझे। अरे अरे धीरे 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 धीरे, वो गुस्से में थी, बहुत नाराज थी, उस दिन तुमने मार खाई थी ना, अब नाटक कम करो। फिर भी पता नहीं दीदी ने थैंक्स क्यों कहा। खुश हो गए ना भैया? चल अरे तुम यहाँ कैसे? पास के फोटो स्टूडियो में जॉब करता हूँ मैं। सुन, मैं बाहर काम पे जा रहा हूँ, जरा ध्यान रखना। हाँ ठीक है। क्या बात है, बड़ा स्मार्ट लग रहा है तू। सुलक्षणा के आने का टाइम हो गया ना, तू नहीं सुधरने वाला। यहाँ कहाँ ले जा रहे हो? काम है। क्या काम है? दादाजी बीमार है तो बगीचे में जाकर मिलना है। हाँ, तुम्हारे पिताजी ने हम दोनों को मिलने के लिए बुलाया है। लेकिन पापा ने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम घर पे जाके पूछना। कौन है? मैं हूँ दादाजी, जय बाबू की बेटी सुलक्षणा। तुम हो बेटी? आज मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हारे साथ कौन है? पांडे। पांडे है क्या? क्या बात है, दोनों साथ में आए हो, शादी तय हो गई क्या? नहीं दादाजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए आए। अच्छा बेटा, अच्छी बात है। दादी बाल केंद्र गई है, तुम पांडे के लिए चाय बना लो। और आपके लिए? मेरे लिए भी, लेकिन शक्कर ज्यादा डालना, दादी आए उसके पहले पी लूंगा। ठीक है। उससे कब शादी करेगा? जवान हुए 5 साल हो गए उसे। ये बात जय बाबू से बोलिए, मुझे नहीं। कौन है? चटे चौक कर रहा है। दादाजी आपकी चाय रखिए, पी लीजिएगा। चलो चलो। अरे तुम लोग कब आए? सब ठीक है ना? मैं शाम को आ जाऊंगी, तुम जाओ। मैं शाम को इसे घर लेकर आ जाऊंगी। हाफ ऑर्डर करेगा? वो कबाब में हड्डी बन के आया था, इसकी तो देख, जल्दबाजी में हमेशा नुकसान ही होता है। आवारों के जैसे मत पेशा। हाँ मैं आवारा हूँ ना, हम दोनों पति पत्नी बनने वाले हैं और वो भी बहुत ही जल्द। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, नहीं छोड़ूंगा। जो भी सीटी बजा रहा था, नहीं छोड़ूंगा मैं। पांडे ये देख तेरा कॉल है। हेलो। सुनो पांडे, एक जरूरी बात कहनी है। कल से वो सहेली के साथ कॉलेज में जाएगी। वहाँ कुछ गड़बड़ ना हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा। होशियार रहना। वहाँ देख, तेरे सपनों की रानी आ रही है। मौका अच्छा है, जाकर आई लव यू बोल डाल। अरे यार थोड़ा डर लग रहा है। तो थोड़ा सा पी ले फिर जाकर बोल। चल जा। अबे मुझे स्टूडियो में काम है, मैं जा रहा हूँ। आई लव यू बोल दे तो आ जाना।
ढूंढ ले भाई, वो यही है भाई। लगता है कल वही मुझे परेशान कर रहा था। जाके उसके हाथ पैर तोड़ दे। अरे क्या कर रहे हो? ये तो तुम्हारे मामा के पीछे हुए लड़के हैं। हेलो पांडे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अपने आदमियों को क्यों भेजा यहाँ? अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो पापा को बता दूंगी मैं। तुम मुझे शांति से इस कॉलेज में पढ़ने नहीं दोगे क्या? देवी तो चल चल, सुनो सुलक्षणा, बोल उसे। ये क्या बोलेगा? और तुम कौन हो? ये मेरा फ्रेंड है। ऐसे पागल ही तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं सिर्फ। मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था और पांडे ने भी तुम्हें कितना पिटवाया, फिर भी तुम मेरे पीछे इस तरह पागलों की तरह पड़े हुए हो। मैं तुम्हारी तरह बेरोजगार नहीं हूँ, पढ़ाई करती हूँ। एक तरफ वो पांडे और दूसरी तरफ तुम, दोनों ने मिलकर मुझे परेशान कर रखा है। मैंने तुम्हें उस दिन बचाया। हाँ बचाया था, क्योंकि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। तुम दोनों एक ही जैसे हो, कोई फर्क नहीं है। नहीं सुलक्षणा, इसने मुझे बताया कि कल क्या हुआ था सुलक्षणा। और तुम कौन हो बताओगे? सारे गाँव में ढिंढोरा पीटते रहते हो मेरे बारे में। अगर दोबारा मेरे रास्ते में आए ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना। वो बात नहीं है सुलक्षणा। सुनो, आज के बाद मुझे शक्ल मत दिखाना, तुम्हारे आगे हाथ छोड़ती हूँ। ठीक है माता सुलक्षणा देवी, मैं सिर्फ तुम्हारे रास्ते में ही नहीं, तुम्हारी नजर में भी नहीं आऊंगा। अब जाओ तुम, खुश रहो। छी थू, मेरी भी क्या जिंदगी है, तेरे पीछे घूम घूम कर सीटी बजा रहा हूँ, इससे उससे मार खा रहा हूँ, जैसा बोली वैसा किया। तेरे पीछे कुत्ते के जैसे पड़ा हूं ना, अब तुझे तकलीफ नहीं दूंगा। दोबारा तुझे नजर आया ना तो मुझे चप्पल उठाकर मारना। सूर्या, मैं तेरे टीचर से मिला था, बाकी तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे माता पिता और वो लड़की, अभी मैं तुम्हारे दोस्त के पास जा रहा हूँ, देखता हूँ वो क्या कहता है। अरे आजा बैठ जा। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? अरे बैठना। नहीं, गांव ही जा रहे हो ना? हाँ जा रहा हूँ। अरे मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, आ जाओ बैठ जाओ, वहां तक छोड़ दूंगा तुमको। अच्छा बताओ, मैं अच्छा ड्राइव करता हूँ ना? परसों ही बादशाह के पास सर्विसिंग करवाई है मैंने, गाड़ी अच्छी चल रही है ना, तुम्हें बैठ के अच्छा लग रहा है ना? हाँ अच्छा है। हाँ क्या हुआ, पेट्रोल खत्म हो गया? यहाँ तक बैठने के 50 रुपए हुए, चलो दो 50 रुपए। तुम लिफ्ट दियो इसलिए? पैसा नहीं दूंगा तो बादशाह मेरी बाइक ले जाएगा। तो इससे मेरा क्या लेना देना? अरे तुम मेरी बाइक में बैठे हो ना। अरे यार पैसा चाहिए ये पहले बोलना चाहिए ना। इस पूरे गांव में सब लोग मेरे बारे में जानते हैं, यहाँ तक के 40 रुपए लेता हूँ, गांव के 50 रुपए, पैसे दोगे या पैदल जाना है? चलो पैसे दो ना। उतरते वक्त देता हूँ ना। ऐसी बातें क्या तुम ट्रेन और बस में चढ़ने से पहले बोलते हो? अब ठीक है। ये तेरा टेक्निक बहुत ही अच्छा है, गाड़ी पे बैठाने के बाद लोगों से पैसा मांगने का, सही है? ये सब तुम जैसे लोगों का आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद नहीं, हमारी मजबूरी है। जो भी हो, वैसे गांव में क्यों जा रहे हो? क्यों, उसके लिए भी पैसे मांगोगे क्या? मैं काम के पैसे लेता हूँ, कोई लुटेरा नहीं हूँ। फ्रेंड के घर जा रहा हूँ। उसका नाम क्या है? उसका नाम है सू। जरा मोबाइल फोन पकड़ना, मुझे बात करनी है। हेलो हेलो लक्ष्मण राव, तुम कहाँ हो? अरे कुछ काम है क्या? मैं बाइक चला रहा हूँ। मैं बस से उतर गया हूँ,
तुम अभी तक आए क्यों नहीं? उतर गए क्या? 10 मिनट दो, आता हूँ मैं। 10 मतलब 10 मिनट में आ जाओगे ना? हाँ पक्का 10 मिनट में आ जाऊंगा। जब मैं गाँव से जा रहा था तो तुमने मुझसे 100 रुपए लिया था, अब मैं आ गया हूँ तो तुम्हारी गाड़ी पे किसी को बैठने नहीं दूंगा। ठीक है तुम फोन रखो, मैं आ रहा हूँ। यहाँ से सीधा जाओ, आधा किलोमीटर चलने के बाद गांव आ जाएगा। 50 रुपए दिए, अभी मैं चलकर क्यों जाऊँ? तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहाँ मेरा कोई इंतजार कर रहा है, वो पैर से हैंडीकैप्ड है। सॉरी यार, मुझे जाना ही पड़ेगा, माफ कर दे भाई। नेक्स्ट टाइम मिलोगे ना तो तुमको मैं फ्री में ले जाऊंगा, प्रॉमिस। सुनो सूर्या, गांव में घुसने से पहले ही मुझे झटका दे दिया, अभी गांव के अंदर क्या क्या होगा पता नहीं। एक सिगरेट देना। भाई यहाँ सुरेश नाम का मेरा एक फ्रेंड है, क्या तुम उसको जानते हो? कौन सुरेश? वो गधा सुरेश या फिर वो बेवड़ा सुरेश? नहीं, उसे सूर्या भी कहते हैं। अच्छा, वो सुरेश क्या पागल है? वो एक बंडल बीड़ी लिए उधार में अभी गया यहाँ से। वैसे तुम्हें उसे क्या काम है? उससे नहीं, उसके दोस्त से काम है। तुम कौन हो भाई? सूर्या का फ्रेंड हूँ। क्या कह रहे हो भाई, हमसे मजाक है? वो बात नहीं है भाई, आप जो कह रहे हैं वो सूर्या अलग है, मैं जो कह रहा हूँ वो सूर्या अलग है। उसका गांव कुबूर है, सब उसे सूर्या के नाम से बुलाते हैं। उसके साथ पढ़ने वाला एक दोस्त है, मुझे उससे मिलना है, समझ गए? तुमने साफ साफ बताया इसलिए समझ गया। यहाँ से लेफ्ट जाओ, वहाँ राइस मिल है, वहाँ पे जरूर मिलेगा वो। थैंक्स भाई। हाँ ठीक है। कौन है भाई ये? क्या बोल रहा था, कुछ समझ में नहीं आया। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। जितने भी पढ़े लिखे लड़के हैं वो सब क्रिकेट देख रहे होंगे, वहाँ कोई तो मिलेगा इसलिए इसे वहाँ भेज दिया। एक का दस कौन लगाएगा? बोलो। एक का दस। टिकट कौन लगाएगा? बोलो। जल्दी। हाँ तेरे को भी दिया। हाँ पैसे जल्दी दे। जो सूर्या मरा तुम उसके फ्रेंड हो? चल भाग यहां से। ए रुक, कहां भाग रहा है? उसने मरने से पहले मुझसे बात भी नहीं की, अब सॉरी बोलने के लिए तुम्हें यहां पर भेजा है क्या पागल कहीं का? वो तो चला गया ना, इसी बात का तो दुख है मुझे। उसे माफ करना चाहिए बॉस। हाँ ठीक कहा, माफ करना चाहिए। हम साथ में पढ़ते थे कॉलेज में, वो हमेशा मुझे परेशान करता, मैं उसे माफ करता था। मेरे बाप ने बहुत सारा पैसा उधार लिया और मेरी माँ को अकेला घर में छोड़ के चला गया। हम माँ बेटे खुदकुशी करने वाले थे। उस वक्त वो मसीहा बनकर हमारे लिए आया था, वरना मैं कब का मर चुका होता। कुछ दिनों बाद मेरी माँ मर गई। तो जानते हो आकर मुझसे क्या बोला? वो मुझसे बोला कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरा हमेशा ख्याल रखूंगा। आज भी बहुत याद आता है वो। उसके जाने के बाद मैं बिल्कुल अनाथ सा हो गया हूँ। जब भी माँ को याद करता हूँ
तो खुद ब खुद उसकी भी याद आ जाती है। भूलने की कोशिश भी करूं तो उसे भूल नहीं पाता हूं। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो मुझे उसे भूलना पड़ जाएगा। अब तुम्हारी समझ में आया मैं उसे क्यों नफरत करता हूं? तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। मैं सूर्या का फ्रेंड हूं, ये दुख की बात है, मैं ये जानता हूं। लेकिन ये बालराज, इसकी और सूर्या की कभी नहीं पटी, पर फिर भी आज यहां पे खड़ा है। अब तो वो चला गया, क्यों उससे नाराज हो? वो जाते जाते मुझे भी मार डाला। कॉलेज में जूनियर से लेके सीनियर तक, लेक्चरर, प्रोफेसर, सब ये जानते हैं मेरी और सूर्या की नहीं पटती है। किसी ने भी उसका नाम लिया तो मैं याद आता हूं, कोई मेरा नाम ले तो वो याद आता है। लेकिन अब तो वो मर गया ना, मुझसे झगड़ा करने के लिए, मुझे याद करने के लिए अब कोई नहीं रहा। वो जाते जाते मेरे नाम को भी बदनाम कर गया। मैं मर भी जाऊं तो भी उसे माफ नहीं करूंगा। वो सामने आए तो उसे कैसे मारूंगा, मैं ये सोचता था। लेकिन वो मर के मुझे हमेशा के लिए मार दिया। तुम पियो बॉस, वो चला गया तो उससे क्या होता है, मुझे कोई और मिल जाएगा। ये जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, बस उसकी यादें आती हैं। एक बात कहूं तुमसे, फ्रेंडशिप में सिर्फ अच्छे दिन नहीं होते हैं, मुश्किलें भी आती हैं, गुस्सा भी आता है, नफरत भी होती है, झगड़ा भी होता है। तुम जानते हो क्यों? इन सारी फीलिंग्स को मिलाकर ही कोई रिश्ता मुकम्मल बनता है, और वो मेरा फ्रेंड था। क्या फ्रेंड है वो? कॉलेज में एक मर्द की तरह मुझसे टकराया, लेकिन एक लड़की की वजह से मर गया। इसकी अलग टाइप की फ्रेंडशिप है, समझ गए ना? जिंदा था तो उससे झगड़ा करता था, अब मरने के बाद उसके दुख में पीता है। सूर्या, तुम्हारे बारे में किसी ने भी गलत नहीं कहा। मेरे हिसाब से जो मरे हैं वो सब अच्छे लोग ही होते हैं। जब वो जिंदा रहते हैं तब उन्हें अच्छा इंसान कहें तो दुनिया में इंसान को जबरदस्ती मरने की नौबत नहीं आएगी। मुझे बहुत दुख हो रहा है, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अभी सूर्या के माँ बाप कहाँ हैं? वो पास के गांव में रहते हैं। मुझे वहाँ लेकर चलोगे क्या? इस तरह बाइक पे जाते वक्त सुलक्षणा से उस दिन कहा था कि अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। वो बात मेरे फ्रेंड साई के गांव जाते वक्त मुझे याद आ गई। तो बताओ रमन, हमारे गांव में कैसे आना हुआ? प्यार का चक्कर है? हाँ, देख यार मुझसे झूठ मत बोलना। उसका नाम सुलक्षणा है। क्या बात है, नाम तो बहुत अच्छा है। और लड़की भी बहुत खूबसूरत है और पैसे वाली है। अरे वाह, पड़ गई है क्या? तो फिर प्रॉब्लम क्या है भाई? वो नहीं चाहती है। माँ, हम लोग आ गए। अंडा करी बना ली क्या? हाँ हाँ, खाना बना दिया है। हाथ मुंह धो लो, खाना परोसती हूँ। तो तूने उसे कह दिया तू उसे अपना चेहरा नहीं दिखाएगा? मैंने तो कह दिया, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा। शुरू शुरू में ऐसा ही होता है यार, बाद में तुझे आदत पड़ जाएगी। मुझसे नहीं हो पा रहा है यार, मैं गांव में था तो दूर से या नजदीक से देखता था, अब इतना दूर आ गया हूँ तो नर्क जैसा लगेगा ये सोचा नहीं था। तू आ गया है ना, देखते हैं। देखना ही तो है यार। अरे बोला ना, देखते हैं। अभी देखना चाहता हूँ। अभी कैसे देखेगा? मुझे सुलक्षणा को अभी देखना है, मैं जा रहा हूँ। ए, इतनी रात में कहाँ जाएगा? सड़क पे जाऊंगा तो कोई ना कोई ऑटो मिल ही जाएगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है, चुपचाप सो जा, सुबह जाना। मुझे उसकी याद बहुत तंग कर रही है। अरे ऐसे ही होता है, सुबह मैं तुझे अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिलाता हूँ, चल सो जा। अरे साई, तू प्यार में पड़ गया है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। अभी भी शुरू है यार, हम लोग कल ही तो फिल्म देखने गए थे। अच्छा, उसका नाम क्या है? हाँ, अरे बोलना। अरे सुलक्षणा। राधा कुमारी। नहीं नहीं, सुलक्षणा यार। राधा कुमारी यार। हे, सामने देखना, वो जिसने पिंक चूड़ीदार पहना है ना, वही है मेरी राधा कुमारी। बाप रे, वो सफेद ड्रेस पहनी है ना, वही है सुलक्षणा। तुम्हारी वाली भी अच्छी है यार। इस गांव में क्यों आई है वो? शायद तेरे लिए आई होगी भाई। भला मेरे लिए क्यों आएगी? ए, वहां देख, इन लोगों ने कितनी बढ़िया चर्च बनाई है। अच्छा सुन, सुलक्षणा के बगल में जो लड़की है वो कौन है? पद्मा नाम है, सुबहराज की दूसरी बेटी है, 4 दिन के बाद उसकी शादी है। तो सुलक्षणा शादी में आई है? हाँ। अभी मुझे यहाँ आना पड़ेगा, रात में हम लोग पार्टी करते हैं। हाँ?
क्यों भाई आगे क्या? तू जा बे। ठीक है ठीक है, अब जाइए मैं आती हूँ। ठीक है। तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ आओ। तुम कैसी हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? सरा से भी इज्जत नहीं है। कहा था ना अपना चेहरा नहीं दिखाओगे, कहने के बाद यहाँ भी आ गए। वो बात नहीं है सुलक्षणा, वो बाहर मैं... रहोगे तो मार पड़ेगी ये सोचकर इस गांव में भी मुझे परेशान करने आ गए। कहीं भी शांति से नहीं रहने दोगे क्या? सॉरी सुलक्षणा, मैं यहाँ तुमसे पहले आया। अगर दोबारा मुझे अपनी शक्ल दिखाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता देती हूँ। मुझे लगा था शादी होने तक तो तू यहीं रुकेगा। मेरा जाना ही ठीक है, तेरा मन बदल जाए तो मुझे बता देना। गलती मेरी है यार, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। पता नहीं यार, पर तू संभाल के जाना, ठीक है? हाँ, तू जा। ठीक है, मैं चलता हूँ। संभाल कर जाना। बैठो। हाँ? स्कूटी पर बैठो। दूर बैठो, टच मत करना। तुम्हें एक बात बतानी थी। बताओ। पद्मा दीदी, उसका नाम जनार्दन है, वो मेरे पीछे पड़ा रहा। मैंने उसे बहुत समझाया फिर भी वो नहीं माना। मेरे मामा के बेटे से बात की तो उसने उसकी बहुत पिटाई की, लेकिन वो बहुत बड़ा बेशर्म है, मेरे पीछे ही घूमता रहा। एक दिन मैं नहा रही थी, बाथरूम की दीवार से चोरी से उसने वीडियो बना लिया। अब जब से मेरी शादी तय हुई है वो मुझे बहुत धमकी देता है। मुझे वीडियो चाहिए तो शादी होने से पहले एक बार उसके साथ मुझे ये बात रात में ही पता चली। दो दिनों में इनकी शादी है। जनार्दन को मारने वाला इनका भाई अभी फॉरेन में है। अगर ये बात घर में पता चली तो शादी रुक जाएगी, गांव में बदनामी हो जाएगी। मैं और तुम यहाँ के नहीं हैं तो क्या? हम दोनों दूसरे गांव के हैं, इसलिए इनकी मदद करनी होगी। अभी मैं संभाल लूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। थैंक्स रमन। क्या भाई, तूने बताया नहीं तेरा जनार्दन के संग क्या पंगा हुआ है? वो कहाँ है ये पता चला? हाँ, वो शराब पी रहा है, ब्रिज के नीचे बैठ के पी रहा है वो। ठीक है तो चल वहाँ। पर बात क्या है मुझे बताएगा, कोई लफड़ा है? उसकी शादी होने से पहले वो मेरे साथ नहीं सोई तो मैं अपनी मूंछ निकलवा दूंगा, याद रखना। हाँ बोल। हाँ, मैंने तुझे फोन करने के लिए सोचा था, तूने कर दिया, आ जा। चल बैठ जा। है, बैठ जा। बैठ, बैठ जा। ये कौन है? ये रमन है, मेरा दोस्त, जल्दी सबसे घुल मिल जाता है। तो यहाँ क्यों आया है? इससे पूछो। बहुत दर्द हो रहा है। क्यों, लव का मैटर है? हाँ। क्या, कौन है वो? तू भी हमारे जैसा ही है। तुम्हारा क्या है? पद्मा नाम की एक लड़की मेरे गांव में है, मैं उसे प्यार करता हूँ। बहुत सुंदर है वो और सीधी भी, लेकिन वो किसी और से प्यार करती है। ये सुन के मुझे बहुत गुस्सा आया, नहाते वक्त मैंने उसका वीडियो बना लिया। क्या बात कर रहे? ये तो ढिंडोरे पीट देगा, इसलिए मैंने नहीं बताया इसे। तुम बोलो। मैंने उससे कहा तू शादी किसी और से कर ले, लेकिन पहली बार मैं ही तेरे साथ सोऊंगा। तू तो सुपर है यार। क्या सुपर है, 2 साल से उसके पीछे घूम रहा हूँ, मान ही नहीं रही थी। मैं 3। हाँ हाँ, तू तो मुझसे भी बड़ा गुरु है भाई। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा,
हेलो रमन भाई, मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं गांव के सारे लड़कों को उसका वीडियो व्हाट्सएप कर दूंगा। और देख उसे, उसको नेट की जानकारी है, यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। मुझे भी ऐसे ही करना पड़ेगा। तूने भी वीडियो निकाला? हाँ। ऐसा? तू बाथरूम में निकाला? मैं तो बेडरूम में निकाला यार, एकदम क्लोज में। भाई मुझे दिखाना, मैं ऐसे वीडियो बहुत लाइक करता हूँ। अच्छा वो लड़की किस गाँव की है? तेरे ही गाँव की है। हमारे गाँव की? हमारी जानकारी में ऐसी कौन सी लड़की है? अच्छी है क्या? मस्त है वो, उसे कपड़े में भी देखे तो वाव। तुझे नहीं दिखाना है मत दिखा। चल उसका नाम तो बता तू। गीता। कौन गीता? क्या नाम है दामोदर गली का, धनंजय की बेटी गीता। हाँ? अभी दिखाता हूँ। वन टू। तू मेरी बहन का वीडियो बनाता है यार। तेरी तो है, तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरी बहन भी तो लड़की है, उसका भी तो शरीर है ना। अरे क्या कर, वो मेरी बहन है। पद्मा भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, समझा? और सुन, तुझे जहाँ उसका वीडियो डालना है डाल। पद्मा की बेइज्जती तू कर और तेरी बहन की बेइज्जती सारे गांव में मैं करूंगा। तू थोड़ा सा पागल है, मैं तो पूरा पागल हूँ, समझा क्या? वो मासूम है यार, प्लीज यार ऐसा मत कर, उसे छोड़ देना। पद्मा का वीडियो मैं तुझे देता हूँ। चल दे वीडियो दे। ये ले, ये ले। डिलीट कर, डिलीट कर। हटा दिया मैंने, ये देख डिलीट कर दिया। प्लीज वो मेरी बहन है यार, डिलीट कर देना प्लीज, प्लीज यार। मेरे पास कोई वीडियो नहीं है। क्या कहा तूने? सच में मुझे तो पता भी नहीं है कि तेरी कोई बहन है। हाँ? तेरी बहन हो या मेरी बहन हो, सबकी इज्जत होती है। हमें लड़कियों के साथ मस्ती मजाक करनी चाहिए, लेकिन उसकी जिंदगी के साथ खेलना नहीं चाहिए। हेलो। सॉरी पद्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। थैंक यू। हाँ थैंक यू सो मच। तुझे भी थैंक्स कहूंगी, सब तेरे फ्रेंड की वजह से ही हो पाया है। थैंक यू। तुम्हारी फ्रेंड ने मुझे फ्रेंड कह दिया, लेकिन तुम फ्रेंड्स। ज्यादा खुश मत हो, फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स। अब ख्याली पुलाव पकाकर प्यार व्यार के बारे में मत सोचने बैठना, समझ गए ना? हाँ ठीक है। ए सूर्या, आज ही मुझे पता चला कि सुलक्षणा का जन्मदिन है कल। मैं बस एक अच्छा मौका ढूंढ रहा हूँ उसे आई लव यू कहने के लिए। अभी आया है अच्छा मौका, मगर मेरे पास पैसा नहीं है उसे गिफ्ट देने के लिए, और मुझे तो पैसा देने वाला भी कोई नहीं है। कोई बात नहीं, वैसे अगर कोई मुझे उधार देने वाला हो तो। तेरा कोई पहचान वाला है क्या? हाँ? अरे सच बता। अरे सूर्या सच बता ना, तुझे कौन पैसा देने वाला है यार? ए सूर्या, ये तो उधारी वालों का लिस्ट है। क्या राशन का सामान दिया था क्या? चलो मेरा काम हो जाएगा। हेलो। हाँ सूर्या का फ्रेंड बोल रहा हूँ। सामान लिए थे ना, पैसा कब दोगे? क्यों वो नहीं है इसलिए पैसा देना ही नहीं चाहते क्या? माल लिया था, पैसा कहाँ है? मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। अरे बाप रे, लगता है इसे पता चल गया। हेलो। हेलो कौन बोल रहा है? मैं सूर्या का फ्रेंड बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। माल लिए थे ना, पैसा कहाँ है? उसके पिताजी आकर ले गए। कोई पैसा देना ही नहीं चाह रहा है मुझे।
हेलो, मेरा नाम रमन है, मैं सूर्या का फ्रेंड बोल रहा हूँ। आपको उसे सामान का 8,000 देना बाकी है ना? हाँ हाँ, बाकी है, याद आया मुझे, उसने मुझे 8,000 रुपए दिए थे। उन्हीं पैसों से मैं हैदराबाद गया और फिर वहाँ पर जॉब करने लगा, और उसके बाद मैं अमेरिका चला गया। वहाँ जाने के बाद मुझे ये पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। अमेरिका से आए हुए मुझे 1 हफ्ता हो गया है। मैं सोच रहा था कि उसके माँ बाप से मिलूं और पैसे दे दूं, लेकिन फिर सोचा कि यदि आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दे देंगे तो मैं उसमें ही ट्रांसफर कर दूंगा पैसे। ए सूर्या, थैंक्स यार। उससे मिलना जरूरी है क्या? अपनी बर्थडे के दिन उससे नहीं मिलूंगी तो नाराज हो जाएगा। मैंने उससे कह दिया है कि मैं आ रही हूँ। लेकिन तू उसे भाव क्यों दे रही है? इसलिए सारे गांव वाले ना तुम्हारे बारे में अलग अलग बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? हाँ, और क्या कहेंगे, लवर्स कहते हैं तुम्हें। तुम्हारा पांडे भाई ना मेरे घर में आकर मेरे भाई के साथ मिलकर उसके लिए प्लान बना रहा था। सब लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं और वो भी ऐसा ही समझता है। तू तो रहने ही दे, अब देखना वो तुझे प्रपोज करेगा फिर मुझे बताना। तू भी ना। तुम भी आ गई क्या? क्यों, दिखाई नहीं दे रही हूँ? क्यों, कबाब में हड्डी लग रही हूँ ना? हैप्पी बर्थडे सुलक्षणा। पहले अपना चश्मा निकालो, अच्छा नहीं लग रहा। ओ, अच्छा नहीं लग रहा, अभी हटा देता हूँ। ये मुझे क्यों दिया? I love you, सुलक्षणा। सुलक्षणा। कहा था ना मैंने? इसने मुझे पहले ही कह दिया था। मैं ही पागल थी जो तुमसे फ्रेंडशिप की मैंने। तुम कभी नहीं सुधरोगे ना? मैं ही नहीं, कोई भी नहीं सुधरेगा। एक बार लवर फिक्स हो गया तो हमेशा साथ में रहने का ही सोचेगा। फ्रेंड्स तो लवर हो सकते हैं, लेकिन लवर्स कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन सकते। अगर ऐसा किसी ने कह दिया तो उससे बड़ा सफेद झूठ नहीं होगा। सुलक्षणा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी ऑटो में बैठती हो तो मैं ही पावर स्टार, मैं ही सुपरस्टार समझता हूँ खुद को। तुम अगर मेरी ऑटो से उतर जाती हो तो मुझे बहुत दुख होता था। मुझे भी ये बात बहुत दिनों तक समझ में नहीं आई, लेकिन उस दिन बारिश में तुम उसे एक बुरा सपना सोचकर वहां से चली गई। लेकिन मैंने तो तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सुलक्षणा। प्यार में डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। ए, इसे ही तो झूठ बातें कहते हैं। सुनो सुलक्षणा, कोई एक लड़की से पागल जैसा प्यार करे तो सिर्फ मन में ही नहीं बाहर भी साथ घूमना चाहता है। सब सोच समझ कर ही प्यार करेंगे, लेकिन इस तरह की फालतू बातें और छूने के लिए नहीं। तुम्हारे पीछे तो मैं पागल हो ही गया हूँ। अभी मेरे पास ऑटो नहीं है तो भी मैं पैसे उधार लेकर तेरे पीछे पागल की तरह घूमता हूँ। अगर पांडे के किसी आदमी ने हमको देख लिया ना तो जान से मार देगा। तुम क्यों बेकार में डरती हो? वो कहां और तुम कहां? तुम परी की जैसी हो। क्या तुम उस आवारा के साथ अपनी जिंदगी जी पाओगी? घर वालों की बात मानो, मानना भी चाहिए, लेकिन अपनी जिंदगी को नरक तो मत बनाओ। मैंने सीटी बजाकर तुम्हें उससे बचाया था। सच बताओ, तुम मुझे पसंद नहीं करती? मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। सुलक्षणा,
तुम अगर फिर से बस में चढ़े ना तो मैं चलती बस से कूद जाऊंगी। वो पागल वापस आ गया है। क्यों बेटी, खाना बन गया क्या? अभी थोड़ी ना बनेगा खाना। लेकिन आप क्यों आई हैं? हमारे गांव वाले लड़के की शादी इस गली में है। शादी के बाद मैं चली जाऊंगी, बूढ़ा बीमार है ना। मैं नहीं आने का सोच रही थी, लेकिन शादी में आना जरूरी था। शादी के बाद चली जाऊंगी, सोचा तुम दिख गई तो कुछ पूछ लेती हूँ। कैसी हो बेटी, ठीक है ना? मैं ठीक हूँ दादी। क्यों बेटी, तुम खुश तो हो ना? एक बार इसकी पढ़ाई पूरी हो जाए ना, फिर इसकी शादी भी करवा देंगे। अभी तो शादी में बहुत देर है। मैं चलती हूँ, टाइम मिला तो आऊंगी। हाँ ठीक है। हे सुलक्षणा, एक मिनट। सूर्या, सुलक्षणा फोन कर रही है, मैं जरा बात कर लेता हूँ। हेलो, कहाँ हो तुम? और कहाँ रहूंगा, घर में अकेला ही हूँ। हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बनाती रहती हो। एक काम करते हैं, हम दोनों कहीं दूर चले जाते हैं, तुम क्या कहती हो? बहुत दूर नहीं जाएंगे, पर एक जगह है जहाँ जा सकते हैं। पर तुम्हें वादा करना होगा कि वहाँ जाकर पागलों जैसी हरकत नहीं करोगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कौन है? मैं हूँ दादाजी, सुलक्षणा। तुम हो? तुम्हारे साथ कौन है? पांडे क्या? हाँ पांडे। तुम्हारी दादी गांव गई है, तुम्हारे घर गई क्या? पता नहीं दादाजी, मैं और पांडे सीधा कॉलेज से ही आ रहे हैं। ठीक है बेटी, तुम जाकर पांडे के लिए चाय बना लो। ठीक है दादाजी। पांडे तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर चाय बनाती हूँ, ठीक है ना? आ जा पांडे, मेरे पास आके बैठ जा, बहुत खुश रहो। तुम इससे शादी कब कर रहे हो? अरे मेरी हर बात पर हाँ हाँ क्यों करते हो? सिर्फ इस बुड्ढे से क्या बात करूं यही सोच रहे हो? तुम्हारे पिताजी जिंदा थे तो मेरे साथ ही खाते थे, और तू आवारा की तरह घूमता रहता है। आज के बच्चों में संस्कार नहीं है, बात ही नहीं सुनते, क्या समझाएं इनको हम भी। हे भगवान, बस उठा ले। गलती नहीं होगी पापा,
आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। जा रही है? मैं सुलोचना के घर जाकर आती हूँ। ठीक है, पर जल्दी आ जाना। गायत्री, गायत्री, प्लीज गायत्री। तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है, सब कुछ तंग करके रखा है तुमने। प्लीज गायत्री, तुम्हारे जीने का कोई मतलब ही नहीं है, तुम जाके मर जाओ। उसकी शादी तय हो गई है, कम से कम अब तो उसे खुश रहने दो। सुलोचना के बारे में पूछोगे? बड़ा आया। चलो हम कहीं चले जाएंगे, कहीं दूर जाकर शादी कर लेंगे। हमारे प्यार की वजह से सबको परेशानी होगी, इसलिए दूर जा रही है। और मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगी ऐसा सोच भी कैसे लिया, वो भी परिवार को छोड़कर। सुनो, हम दोनों एक दूसरे से जितना दूर रहे उतना अच्छा। तुम यहाँ से चले जाओ रमन, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। अगर मैं तुम्हारे साथ आऊंगी तो मेरे शादी के मंडप में मेरे मम्मी पापा खुदकुशी कर लेंगे, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। दोबारा अगर तुम मेरे पीछे आए ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, समझे तुम? हम पागल लड़के हैं यार, हम लड़की से प्यार करते हैं तो उसके अलावा और कुछ नहीं सोचते। सुबह उठते ही बस उसके बारे में ही ख्याल आता है, वो उठ गई क्या, क्या कर रही होगी, खाना खाया कि नहीं खाया। हमें उससे बात करना है, उससे मिलना है, उसके साथ रहना है, सारा गांव घूमना है। हम अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं। उसने ये क्या कह दिया, उसकी शादी होने वाली है उस पांडे के साथ। वो मुझे डांटे तो भी कोई बात नहीं, वो मुझे मारे तो भी कोई बात नहीं, वो मेरी सुलक्षणा है। कैसे वो शादी करने को तैयार हो गई, मेरा दिल बहुत दुख रहा है, मैं मरना चाहता हूं। नहीं यार, मैं मर जाऊंगा, उसके बिना मैं जी नहीं सकता, मैं मर जाता हूं। ए, अरे मैं मर जाऊंगा यार, लेकिन दिल का दर्द कभी कम नहीं होगा। कहती अगर मेरे साथ आएगी तो उसके माँ बाप मर जाएंगे, उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। ये बात वो नहीं जानती है क्या, मैं उसके माँ बाप से ज्यादा उसका ख्याल रखूंगा। यार मैं मर जाऊंगा। Thank you.
मर जाता हूँ, मैं मर जाता हूँ। ये कैसी आवाज है? बेटा, बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ? ये कैसी आवाज थी? क्या कर रहे थे तुम बेटा? कुछ नहीं माँ। क्या बताऊँ बेटा, गांव वाले लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तुम किसी अमीर लड़की से प्यार करते हो और उसके घर वाले तुम्हें बहुत मारते हैं। क्या ये सारी बातें सच? सच मानकर हाथ पैर तोड़ दिया तो कहीं भीख मांगकर खाएगा, और अगर झूठ है तो ऐसे ही आवारा की तरह घूमता रहेगा। उनकी बातों पर ध्यान मत दो बेटा, लेकिन हम उन पैसे वालों से पंगा कैसे ले सकते हैं? ठीक है, ये कुछ पैसे हैं, सुशीला मौसी को देकर आ जाओ। ठीक है, वो काशी जा रहे हैं ना? काशी क्यों जा रहे हो? उनके घर में किसी बुजुर्ग की मौत हो गई। मरने से पहले एक बार काशी जाना जरूरी होता है, लेकिन वो इतने बीमार पड़ गए कि वो काशी नहीं जा पाए। लेकिन कम से कम उनकी अस्थियां तो वहाँ ले जाई जा सकती है ना? अगर ऐसा नहीं किया तो कहते हैं उनकी आत्मा भटकेगी। आत्मा? हाँ, आत्मा भटकती है। अगर ये अस्थियां बहा देंगे ना तो उनकी आत्मा को वहाँ शांति मिल जाएगी। हाँ, ये आत्मा की शांति क्या है माँ? मुझे भी नहीं पता बेटा, बुजुर्ग ऐसा कहते हैं। कौन बुजुर्ग लोग हैं? सुनो, तुमसे बात कर रहा हूँ, उसे देर हो जाएगी जाने के लिए, बोलो। तुम्हारे पिताजी नाराज हो रहे हैं, जाओ जल्दी करो, ये देकर आओ। जाओ। कौन बुजुर्ग लोग हैं माँ? मुझे क्या पता बेटा, तुम जाकर पंडित जी से पूछो, जाओ। जब तक इंसान जिंदा रहता है तरह तरह की चाहत लेकर के जीता रहता है बेचारा, लेकिन प्राण निकल जाने के बाद अपनी चाहत पूरा करने के लिए हमारे बीच में घूमता ही रहता है आत्मा बन करके, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ये सच है बेटा। ठीक है पंडित जी, थैंक्स पंडित जी, थैंक्स। अरे बेटा, अरे सूर्या, तू है क्या? अभी अभी पंडित जी से मिलकर आ रहा हूं यार। जो मरे लोगों की चाहत पूरी नहीं होती, आत्मा बन जाते हैं। तेरी भी कोई चाहत है क्या? अरे तुझसे पूछ रहा हूं यार, बता, तेरी कोई चाहत है क्या? तुझसे चाहत का सवाल पूछा तो फिर तूने इतना वक्त क्यों लिया? ओ, छोटी सी चाहत है क्या? अच्छा, इसलिए तू यहां रहता है। कोई बात नहीं, मैं तेरी चाहत पूरा करूंगा। तूने मेरी बहुत मदद की है, अब मुझे भी तेरी मदद करनी है। क्या चाहता है तू, बता मुझे। मरने से पहले क्या चाहत होगी तेरी? हाँ, फिलहाल तो मुझे उन लोगों से जाकर पूछना होगा जो मरने वाले हैं। तुमसे शादी करने के बाद मैं कभी खुश नहीं रही। जब देखो नशे में धुत रहते हो, यह शराब ही तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम्हें ऊपर पहुंचा देगी। पापा, तुम्हारी कोई आखिरी चाहत है क्या? कटर। हद हो गई, इस वक्त भी इन्हें दारू चाहिए। तुम मरना चाहते हो ना? किस लिए? मेरे माँ बाप हमेशा मुझे पढ़ाई के लिए डांटते और मारते हैं। कॉलेज में ऊंची रैंक लेकर के आऊं, हमेशा मुझे इस बात के लिए प्रेशर देते हैं। उस प्रेशर के आगे मैं टूट गया हूँ, मैं उनकी मांग पूरी नहीं कर सकता, इसीलिए हार कर मैंने स्लीपिंग पिल्स खा ली। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है क्या? ये क्या हो गया? अरे बेटा, पापा, तुमने मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो बेटा? मैं शर्मिंदा हूँ पापा, माफ कर दो मुझे। कभी ऐसा मत करना बेटा, मुझे माफ कर दो। तेरी आखिरी चाहत क्या है ये जानने के लिए मैं उन लोगों के पास गया था जो मरने वाले हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बूढ़ा, बेवड़ा, बीमार, तरह तरह लोगों के पास गया मैं। तेरी उम्र के लड़के के पास भी गया, वो भी खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था लेकिन बच गया। लेकिन उसके माँ बाप आने के बाद वो मुझे माफ करो ऐसा कह रहा था। मुझे भी माफ कर यार, तेरी आखिरी इच्छा क्या है वो मैं जान नहीं पाया। सॉरी। हाँ, क्या नहीं कहना है? सॉरी नहीं कहना है?
चल ठीक है, मैं तुझे सॉरी नहीं बोलूंगा। क्या यार, अच्छा तुझे किसी को सॉरी बोलना है उस लड़के के जैसे? ए क्या यार, तुझे सॉरी किसे कहना है? ए क्या तुझे किसी अपने को सॉरी बोलना है? मातृदेव भवा पितृदेव भवा कहते हैं, मतलब माता पिता, उन्हें सॉरी कहना है क्या सूर्या? बस यही या और भी कोई है? जैसे श्लोक में है ना, मातृदेव भवा पितृदेव भवा आचार्य देव भवा अतिथि देव भवा आचार्य देव भवा, तो टीचर सिर्फ एक ही है ना? हाँ, और वैसे श्लोक में अतिथि देव भवा, अतिथि देव भवा मतलब रिश्तेदार ना, इस उम्र में हमारा कौन रिश्तेदार हो सकता है? फ्रेंड्स, अच्छा तुम्हारा लिस्ट खत्म हो गया? और कौन है बताओ तो सही, मैं तुम्हें मिल गया, तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो? ठीक है ठीक है, तुम चिंता मत करो, एक लवर के जैसे बात करके तुमसे बार बार पूछना पड़ रहा है। लवर है क्या? तो मुझे तुम्हारी तरफ से तुम्हारे टीचर को, तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे फ्रेंड्स और तुम्हारे लवर को सॉरी कहना है ना? बस यही बात है ना, अब ये बताओ उन्हें सॉरी क्यों कहना है? तुम उनसे उधार लिए हो क्या? तुमने कोई गलती की है? तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे बारे में किसी ने गलत नहीं कहा? वो लड़का खुदकुशी करने की कोशिश किया वो गलत था, मतलब तुमने भी वैसी गलती की क्या? आखिर इसमें गलत क्या है? तुमने प्यार किया, कामयाब नहीं हुआ और मर गया। मैं भी प्यार करता हूं, कामयाब नहीं हुआ, अब मरने जा रहा हूं, इसमें गलत क्या है? गलत है क्या? कुछ गलत नहीं है, मेरा हालत वैसा नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी लवर से बहुत प्यार किया है, लेकिन मैंने तुमसे भी ज्यादा प्यार किया अपनी सुलक्षणा से, इसलिए मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता, मरना ही सही है। मैं मरने से पहले, मतलब सुरक्षा की शादी होने से पहले। ए तेरी आखिरी इच्छा पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। तेरे फ्रेंड प्रमोद को फोन किया तो फोन लग ही नहीं रहा यार, वो लोग कहाँ हैं क्या पता। ठीक है, मैं इस बीच अपने ऑटो वाले भाई से मिलकर आता हूँ, गांव छोड़कर जा रहा हूँ ये बोलकर आ जाऊंगा। लेकिन वो लोग तो नहीं जानते कि मैं मरने जा रहा हूँ। मामा, इसने जैसे ही यहाँ कदम रखा था ना, मैंने तभी कह दिया था ये बहुत बड़ा पागल है। अब क्या पंगा करने आया है वापस? आ गया, मैं जा रहा हूँ। इतना सब कुछ होने के बावजूद मुझे यहाँ रहना ठीक नहीं लग रहा। दोस्त, अगर मैंने तेरे साथ कभी कुछ गलत किया हो तो मुझे माफ कर देना। तुम बहुत अच्छे इंसान हो यार, बस अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रखो। ए सीनू, जो जैसा है वैसा ही नहीं रहना चाहिए, हमें थोड़ा अपना दिमाग भी चलाना चाहिए। अगर मैंने तुम्हें कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ करना। मामा, तुम्हारा भी इतना बड़ा बेटा होता तो तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। अपनी बेटी के लिए इस उम्र में मेहनत कर रहे हो ये देखकर मैं आपकी मदद करना चाहता था, लेकिन शायद अब नहीं कर पाऊंगा। मेरा फर्स्ट प्लेस तुम ही ले लेना मामा, अपनी लड़की को अच्छे से पढ़ाना मामा, ठीक है? मैं चलता हूं। ए रमन, क्या हुआ बेटा? ए रमन, 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 ए क्या हो गया ऐसे?
हेलो भाई, उस रमन ने ऑटो स्टैंड में कुछ मीटिंग वीटिंग की है। कैसी मीटिंग? लगता है सुलक्षणा के लिए स्केच बनवाया है उन्होंने। सुलक्षणा के लिए? हाँ, मुझे तो बड़ा डाउट लग रहा है। डाउट नहीं लगना चाहिए, हमने उसे मारा है, ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। डर, डर, क्या बात है भाई, आज मेरे घर की तरफ कैसे? अच्छा, वो 50 रुपए लेने आए हो, ये लो, तुमने दिए थे ना। अरे मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया यार। जाने दो, मैं तुम्हारे लिए सिगरेट लेकर आऊं क्या? नहीं रहने दे, तू ठीक से रहना। हाँ, क्या हुआ भाई? मैं चलता हूँ। कोई काम है क्या? प्यार की कहानी खत्म हो गई, लेकिन अभी बचा है उस सूर्या को दिया हुआ वादा। वो देखो, वो सूर्या के माँ बाप हैं। तुम नहीं आओगे? वहां जाने से पुरानी बातें याद आने लग जाएंगी। तुम जाओ, फोन करना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। सुनिए, मेरा नाम रमन है, सूर्या का दोस्त हूँ। आप सूर्या के पिताजी हैं ना? तुम्हें क्या चाहिए बेटा? माफ़ी चाहिए, सूर्या मरने से पहले आपसे मिलकर आपसे माफ़ी मांगना चाहता था। जो बोलना था बोल दिया ना, अब जाओ यहाँ से। सुनिए जी, सूर्या आया है क्या? अंदर सूर्या की माँ है क्या? नहीं, तुम पहले यहाँ से जाओ, चलो निकलो। बेटा सूर्या, वो बुला रही हैं। मैंने तुमसे कहा ना तुम जाओ यहाँ से। वो सूर्या को बुला रही हैं। अरे कह रहा हूँ ना, जाओ। सूर्या। अरे सुनो, अरे बेटा। बेटा सूर्या, तुम घर में नहीं आए, पिताजी ने कुछ कह दिया क्या? तूने खाना खाया? दाल बनाऊं क्या? सुनिए जी, सूर्या आया है, आप इसे बात नहीं करेंगे? पागलों की तरह घूम क्यों रहा है बेटा? हाँ एक मिनट, जेब में रख ले, कॉलेज में कुछ खा लेना, अपने पिताजी से मत बताना। अच्छी तरह से पढ़ाई कर, माँ का अच्छे से ख्याल रख। बेटा आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा ना? अब बताओ ना बेटा, कैसे माफ कर दूं उसे? बच्चों को पंख आ जाते हैं तो इसका मतलब वो उड़ जाए क्या? मेरा सूर्या, मेरा सूर्या हमारे ही पंख तोड़कर चला गया। बेटा तू वापस आएगा ना? हाँ हाँ आएगा, बेटा वो वापस आएगा, आएगा आएगा वो।
बेटा रोना मत बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ। सुबह तो मैं ठीक ही थी, बेहोश होकर गिर पड़ी, मुंह टेढ़ा हो गया। तेरे पिताजी ने मुझे अस्पताल लाकर भर्ती किया। देख बेटा, सिर्फ जीभ कट गई है बेटा। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं हुआ बेटा, तुम्हारी माँ को बचाने के लिए 5 लाख का खर्चा होगा। उतना पैसा कहाँ है हमारे पास? मेरी जान चली जाएगी इसका डर नहीं है। वो तो पागल इंसान है और तुम्हारे अंदर बचपना है। अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम दोनों का क्या होगा? बस यही डर है। मैं मर जाऊंगी सोचकर तुम्हारे पिताजी हॉस्पिटल के बाहर पागल हो रहे हैं। तुम जाकर अपने पिताजी को संभालो बेटा, उनका ख्याल रखना बेटा। मेरे पिताजी यहां बैठे थे, कहां गए? पैसों के लिए ऑटो राजा के पास गए हैं। पूरे 5 लाख। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपने भरोसे पर मुझे 5 लाख दिए। ये भरोसा और विश्वास पे मुझे यकीन नहीं है भाई, ये पैसा भी मैं इसीलिए दे रहा हूँ। साइन करो और पैसे लेकर के जाओ। इसमें क्या लिखा है? ये रमन आपका बेटा है ना, 10 साल बिना पैसे के मेरे पास काम करेगा, ऐसा लिखा है मैंने इसमें। उसके भविष्य को गिरवी रखना गलत बात तो नहीं है ना? सुनो भाई, इन चीजों पे विश्वास नहीं करता मैं, मेरे साथ रह के काम सीख ही लेगा। आप उसे क्या काम सिखाएंगे? खाने के वादे हैं लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो आप। अय्याशी में तो कोई कमी नहीं रहती आप लोगों के। देखिए, ऐसी बातें मत कीजिए। वो क्या कर सकता है और क्या नहीं ये मैं जानता हूँ। आपने पैसा दिया इसकी मैं इज्जत करता हूँ, पर मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। वो जवान है इसीलिए बेचारा मस्ती में यहाँ वहाँ घूमता फिरता है। अगर वो मेहनत करे ना तो इससे 4 गुना पैसा एक बार में कमा सकता है। ये तो मेरी बदनसीबी है कि मैं आपके पास आया हूँ। उसकी माँ मर जाए तो भी चलेगा, मैं मर जाऊँ तो भी चलेगा, पर उसके भविष्य के साथ मुझे खिलवाड़ नहीं करना है। पिताजी ने क्या कहा तुम जानते हो? मैं मरूंगा तो चलेगा, लेकिन मेरे बेटे का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकता। मेरी माँ की जान बचाने के लिए 5 लाख चाहिए। मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं नालायक हूँ यार। मेरी माँ ने सही कहा, मेरे पिताजी पागल है। मैं आवारा लड़का हूँ, उनके लिए मैं एक आवारा लड़का हूँ। ए सूर्या, उस दिन मैं तुम्हारे गुरुजी से मिला था, उसने कहा कि वो माफ नहीं करेगा। वो बूढ़ा है ना, तुम्हारे प्यार के बारे में क्या जानता है। तुम्हारे फ्रेंड से भी मिलकर आया, वो लोग भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। उन लोगों को भी क्या पता तुम्हारे प्यार के बारे में। लेकिन मैं तुम्हारे माँ बाप से मिला तो समझ गया कि गलती तुम्हारी है यार। पता चला कि तूने मरकर गलती की है यार। सूर्या, तूने सबसे सॉरी कहने को कहा, पर अब मुझे तुझे सॉरी कहना चाहिए। तूने मुझे सबसे मिलने के लिए कहा,
लेकिन मैं तेरी लवर से नहीं मिल पाया, मुझे माफ कर दे यार। मैं मरना चाहता हूं लेकिन मेरी मां की मौत देखे बिना कैसे मरूं? और जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं उसकी शादी हो रही है, ये सब जानकर मैं नर्क की जिंदगी जी रहा हूं। ऐसा जीकर क्या करूंगा? ये सब देखकर जिंदा रहने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। मर जाना ही सही है। ए, कौन हो तुम? तुमसे पूछ रहा हूं, कौन हो तुम? इसका नाम फरीदा है, मेरी बेटी है। इस घर में सूर्या नाम का एक लड़का रहता था। वो और मेरी बेटी एक दूसरे से प्यार करते थे। इनके प्यार को मंजूरी नहीं मिली, इसलिए दोनों ने एसिड पी लिया। वो लड़का तो मर गया लेकिन मेरी बेटी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। अभी अभी हॉस्पिटल से घर आई है। अपनी इकलौती बेटी को इस हालत में देखकर इसके पापा ने भी बिस्तर पकड़ लिया। हमारा परिवार बर्बाद हो गया बेटा, बर्बाद हो गया। 2 साल पहले आज ही के दिन उसकी मौत हुई थी। ये आखिरी बार यहाँ आना चाहती थी, इसलिए यहाँ लेकर आई। रो रो कर अपना दिल हल्का करना चाहती है, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये प्यार क्या है। प्यार ने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है बेटा। बचपन से ही अपनी बेटी को हमने कितने लाड प्यार से पाला है। तुम जैसे लड़के आकर 4 दिन उनसे मीठी मीठी बातें करते हो और अपने प्यार में इन्हें फंसा देते हो। हम अपना खून पसीना एक करके अपनी बच्चियों को बड़ा करते हैं और तुम जैसे लड़के आकर इन्हें हमसे छीन लेते हैं। अगर हमने शादी के लिए मना किया तो तुम हमारी बेटी को भगा कर ले जाते हो, उसके साथ खुदकुशी करने की कोशिश करते हो। क्यों? हम नहीं जानते कि हमारी बेटी के लिए कौन सही है। तुम तुम्हारे बचपने की वजह से सारा परिवार परेशान होता है। उसका परिवार, हमारा परिवार, हमारे आसपास रहने वाले लोग, क्या ये रास्ता सही है? अगर एक इंसान अनजाने में खुदकुशी कर लेता है तो उसकी वजह से कितने लोगों की जिंदगी अंधेरे में खो जाती है, ये मुझे आज समझ में आया। उस दिन मैं तुमसे पूछ रहा था कि कोई आखिरी ख्वाहिश है क्या, बहुत सोच समझ कर तुमने जवाब दिया। मुझे बचाने के लिए तुमने ऐसा किया ना, आज मैं समझ गया यार। प्यार के लिए मरना, मारना, ये दोनों ही गलत है। चल यार, जाने दे यार, मेरी जिंदगी में रहे तो क्या और जाए तो क्या। ए, मुझे प्यार करने के लिए मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे दोस्त, अगल बगल के बहुत से लोग हैं। अभी मुझे उसकी जरूरत नहीं है,
तेरे जैसे दोस्त मेरे साथ रहे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। ए सूर्या, तू सुन रहा है क्या? ए सूर्या, तू है क्या यहां? ए सूर्या, कहां है तू? ए सूर्या, जवाब देना। ए सूर्या, ए सूर्या, ए सूर्या। पैदा होने से लेकर मरने तक माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, समाज, प्रकृति, अपनापन, चाहने वाले, इन सब के साथ जीना, सभी के साथ प्यार से मिलकर रहना, यही तो जिंदगी है। और इस जिंदगी में प्रेमियों के बीच जो प्यार है वो भी इसी प्यार का एक हिस्सा। लेकिन किसी वजह से यदि प्यार हासिल ना हो तो उसके लिए मर जाना बिल्कुल गलत है। आदमी को अपनी जिंदगी से प्यार होना चाहिए, इससे हमें प्यार और खुशी दोनों ही मिलती है। हारने और मरने के लिए हम पैदा नहीं हुए, हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं। उठो और लड़ो, तब तक लड़ो जब तक कि जीत ना चाहो। अगर लड़ोगे तो जीत तुम्हारी ही होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। यही है जिंदगी।